तौर पर भी मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजगढ़ के जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंचे और घायलों का इलाज जारी है। आरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल भिजवाया जाए, लेकिन आशंका यह भी है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू चलाया जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई गंभीर घायल है जिनके उपचार जारी है। लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको फटाफट अस्पताल भिजवाया जा रहा है, ताकि घायलों का जल्द जल्द इलाज करके जो गंभीर घायल है उनको शीघ्र उपचार के लिए अस्पताल लाया जा रहा है, ताकि लोग बड़ी संख्या में लोग मदद भी कर रहे हैं इनके निकालने में, रेस्क्यू में। आरएफ जानकारी, आपसे कितने देर पहले की पूरी घटना है? ये कुछ देर पहले की घटना बताई जा रही है। जी, ये झरावड़ जिले से जो मोतीपुरा गांव है, जावर थाना क्षेत्र को बताया जा रहा है, यहाँ के लोग बताए जा रहे हैं, सारे यहाँ बस गई थी, यहाँ से बारात गई थी, इसके दौरान ये दुर्घटना सामने आई है। हालांकि मौके पर किसी अधिकारी तौर पर मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हम सूत्रों से बता रहे हैं लगभग 13 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और कई गंभीर घायल है। अच्छा आरिफ, जिस तरह से देखिए जानकारी सामने आ रही है कि ट्रैक्टर ट्रोली पलट गई जिस वजह से हादसा हुआ, और कोई वजह फिलहाल सामने आ रही है कि और भी कोई वाहन जिससे टक्कर हुई हो? मौके पर हालांकि कई लोग इकट्ठे हैं, हालांकि कोई इस मामले को कैद करने से ट्रोली किस कारण पलटी है, या अचानक ट्रैक्टर के पलटने के कारण तेज गति हो सकता है, या कोई वाहन के बचाने के लिए हुआ है, हालांकि इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं 13 लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर घायल है, जिनका उपचार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। अच्छा आरिफ, जिस तरह से मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या कोई बच्चे भी इसमें शामिल है? इस मामले में अभी तक कोई पुष्टि किसी ने नहीं की है, 13 लोगों की बात सामने, कितने महिलाएं या पुरुष हैं, इस मामले में अभी पूरी जानकारी नहीं है, कुछ देर में सारी जानकारी सामने निकल कर आने वाली है। फर्स्ट इंडिया इस बात थोड़े में बस कुछ देर में सारी डिटेल बता सकता है। बिल्कुल आरिफ, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, पर उससे पहले जरा दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं कि किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि देखिए अच्छी बात यह है कि जो आसपास लोग मौजूद है वो भी पुलिस प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग करते नजर आ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, झालावाड़ से राजगढ़ बारात गई थी, पिपलोदी के पास में ये पूरा हादसा हुआ है, और देखिए लगातार वहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, और प्रयास और प्राथमिकता फिलहाल इसी चीज को दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। हालांकि अभी तक का आंकड़ा कहता है कि 13 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। हालांकि अब इसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, कितने बच्चे शामिल हैं, इसको लेकर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। इन तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरह से आसपास के जो लोग हैं वो भी पूरा पूरा सहयोग करते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और देखिए ट्रैक्टर ट्रोली पलट गई जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ, और हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से कई ऐसे भी हैं जो कि गंभीर घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रोली पलटने से यह पूरा हादसा हुआ है, मौके की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप देखिए कि किस तरह से खुशी मनाने के लिए ये लोग पहुंचे थे, ये बारात पहुंची थी, पर ये खुशियां कब मातम में बदल गई पता ही नहीं चला। और देखिए हंसी खुशी के साथ सज धज कर ये लोग पहुंचे थे, पर इनको नहीं मालूम था के बगल में मोतीपुरा के हैं ये बारात में, यहाँ कमालपुर जा रहे थे, यहाँ 3 किलोमीटर आगे है कमालपुर। रायली में कितने लोग होंगे करीबन? रायली में लगभग 60 लोग हो गए, बालक से लेके बच्चा बच्चे से लेके और बड़े और महिलाएं महिलाएं और सभी थे, मतलब बुजुर्ग भी थे, एक बुजुर्ग को भी भेजा हमने। घटने के बाद यहाँ पर एसपी कलेक्टर आए थे? नहीं, बहुत सारी पुलिस आ गई थी, एसपी कलेक्टर नहीं आए। ये अन्य कल के करीब जब यहाँ से पास में रात का ट्रक खाली कर दिया था, तो पूरा गांव का दौड़ गया, तो उनको कोई एकदम से जोश में तो हमने ट्रोली ऊंची कर दी, ऊंची कर में 10-12 को निकाल दिया, निकाल में फिर बाद में नहीं होती, फिर साजन वगैरह सब आ गया। कितने लोग थे ट्रॉली में? ट्रोली में कम से कम 60-70 लोग हो गए। अच्छा, कितने लोगों को चोट आई आपने देखा? 20-25 लोग।
और देखिए संदीप आपसे जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चाहेंगे कि किस तरह से खुशी मनाने के लिए सभी लोग पहुंचे थे और हादसे का शिकार हो गए। हम बताते हैं ये मनोर थाना जावर थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव के निवासी हैं सभी और ये काथोड़िया जाति से आते हैं। ये शादी समारोह के लिए ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे थे तभी मध्य प्रदेश के समीप ये बाइक एक्सीडेंट ट्रैक्टर एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं 3 बच्चे सहित 13 व्यक्तियों की मौत हुई है। संदीप क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि कई लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि अस्पताल उनको पहुंचा दिया जाए समय से। बिल्कुल अभी जितनी जानकारी मिली है उतनी यही मिल पाई है कि इसमें 13 व्यक्तियों की मौत हुई है जिसमें 3 महिलाएं 3 बच्चे हैं। बिल्कुल संदीप आप नजर बनाए रखिए लगातार अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि लगातार हम तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं कि किस तरह से खुशियां मनाने के लिए ये सभी लोग पहुंचे थे हालांकि जिस तरह से आंकड़ा सामने आया है इसमें महिलाएं भी शामिल हैं बच्चे भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। हंसी खुशी के साथ ये लोग पहुंचे थे लेकिन नहीं सोचा था कि ये हंसी खुशी का मातम में बदल जाएगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम व्यास भी जुड़ चुके हैं। ओम क्या कुछ अपडेट अभी वहां से आपके पास? जी मैं बताना चाहूंगा राजस्थान के चंडीपुर गांव से बारात आ रही थी राजगढ़ जिले के पुलामपुर गांव में आ रही थी पिपलोदी मार्ग की घटना है। ये जो ट्रैक्टर चालक है वो अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में जा गिरे। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है खाई में जा गिरी जिसके चलते जो बाराती है बारात जो थी उसके बाराती जो है उसमें दब गए। काफी देर तक जेसीबी की मदद से उनको निकाला गया सीधा किया गया तो उसमें अभी तक जो है कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जी ओम लगभग कितनी देर हो गई जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? ये मैं बताना चाहूंगा ये घटना स्थल जो है राजगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है। जो एम्बुलेंस है उनके जरिए अभी घायलों को लाने का सिलसिला जारी है। करीब इसमें 40 से 45 लोग बताए जा रहे हैं इसमें सवार थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में 40 से 45 बाराती सवार थे जहां बारात जा रही थी। बारात पहुंची नहीं थी बारात पहुंचने वाली थी जब गांव से कुछ ही दूर पर हादसा हुआ है। बिल्कुल ओम अपडेट आपसे लेते रहेंगे आगे भी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे कि अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी जिसमें दबने से कई लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग ऐसे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मतलब राजस्थान से ट्रैक्टर में कुछ लोग बारात के लिए राजगढ़ आ रहे थे। राजस्थान राजगढ़ बॉर्डर के पास में वो ट्रैक्टर ओवरटर्न हुआ है और उसमें अभी तक 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। कितने? 13 लोग जी। 15 लोग घायल हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जी। और 2 लोगों को जो थोड़ा सा जिनको गंभीर इंजरियाँ थी उनको हमने यहाँ पे स्टेबल करके और यहाँ से भोपाल रेफर किया हुआ है और जो घायल हैं उनको शासन के निर्देश के तहत सीएम साहब के निर्देश के तहत पूरा उनका समुचित इलाज किया जा रहा है और जो भी सहायता है वो सहायता उनको प्रदान की जा रही है। और देखिए जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर जानकारी फिलहाल सामने आ रही है अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रोली खाई में जा गिरी जिसके बाद कई लोगों ने दम तोड़ दिया उसके नीचे लोग दब गए थे। हालांकि जेसीबी को तुरंत मौके पर बुलाया गया था जिससे भी रेस्क्यू चलाया गया।